एक ओर जहां वैश्विक महामारी कोरोना लोगों पर कहर बरसा रहा है, वहीं बाइकर्स गिरोह एक बार फिर लूट की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। धनबाद शहर के सरायडेला थाना क्षेत्र के लोहार कुल्ही में सुबह बाइक पर सवार दो अपराधियों ने एक महिला के गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो गए। आइए देखते हैं पूरा मामला। बताया जाता है कि महिला सरायढेला के लोहार कुल्ही स्थित शीतल समुद्र अपार्टमेंट कैंपस में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान काले रंग की बाइक पर सवार होकर दो युवक आए, जिसमें एक अपराधी समीप आकर गले के से चेन छीन लिया और फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने हो हल्ला किया, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मामले की लिखित सूचना सरायढेला थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस पीड़ित महिला के घर पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर पुलिस का कहना है कि अपार्टमेंट कैंपस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिसके वजह से कोई फुटेज नहीं मिल पाया। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अपार्टमेंट के अंदर आ रहे थे, बाइक से एक ओल्ड जेंट्स पीछे बैठा हुआ था, एक लड़का था, वो आया और जेंट्स उतरा तब तो हम अपना घर की तरफ लिफ्ट की तरफ आ रहे थे। उसके बाद वो आया और जेंट्स उतरा और पीछे से चल ले गया। उसके बाद वो लड़का इंजारी कर रहा था, वो ओल्ड था इसलिए बैठने में बाइक में थोड़ा सा उसको लग रहा था। हम हल्ला किए तब तक वो एक पैर ऐसे बैठा। कौन गाड़ी से था? मैं वो बाइक था, पता नहीं कौन सा बाइक था, पल्सर था, वैसे ब्लैक कर रहा था वो, लेकिन बाइक गाड़ी का नंबर था नहीं, वही का नंबर होगा भी ध्यान नहीं दिया। कितने लोग थे उसमें? बस दो, एक लड़का था और पीछे जेंट्स थे। कितने बजे की घटना हो गई है? घटना कितने बजे की है? ये 7:30-8 के बीच। पुलिस आई है? पुलिस आई। छानबीन की है? हाँ। कितने की होगी चैन? चैन लगता हमको लाख से तो कम नहीं था। तो रखिए भर था? जब 1 लाख का अमाउंट होगा लगता नहीं जी? 1 लाख से ज़्यादा है। ज़्यादा ही लिखा शिकित लिखा लिखित शिकायत दी है? हाँ। थाना से दी है? क्या नाम है आपका? नीरपा सिंह। ये चैन छीनते ही का मामला है। यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे लगभग तो हो गया। हम लोग का फिलहाल जानकारी के हिसाब से हम लोग कैमरे मैडम, इस अपार्टमेंट का कैमरा जो है ये पिछले 1 महीने से खराब ही पड़ा है, तो फिर तहकीकात में तो फिर बिल्कुल होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि इसके कौन है देख रेख वाले, उनसे भी पूछते हैं। हालांकि कैमरा हर जगह का ठीक ही होना चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी घटना का अंजाम ना दे पाए। थैंक यू।